दुनिया जहां ने चाहे कितनी भी तरक्की क्यों ना कर ली हो, फिर भी आज सेक्स को एक हवा ही माना जाता है। सेक्स से संबंधित समस्याओं पर शर्म और संकोचवश कोई खुलकर बात ही नहीं करता, जिसकी वजह से उसका जीवन दिनों दिन अंधेरे में घिरता चला जाता है। इस अंधेरे में उजाले की किरण बनकर आपकी सेक्स संबंधी समस्याओं का समाधान करेंगे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त यौन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एसके जैन। के संचय करना ज्ञान और सद्गुण अपनाना, संचय करना ज्ञान और सद्गुण अपनाना और निज शरीर को तुम्हें खूब है स्वस्थ बनाना। देखिए सेक्स एजुकेशन एंड योर क्वेरीज रोजाना। यौन रोगों से मुक्ति मिली है, जीवन में सुख शांति मिली है, बर्लिंगटन क्लिनिक याद रहेगी, जिससे जीवन को नई दिशा मिली है। डॉक्टर एस के जैन्स बर्लिंगटन क्लिनिक लखनऊ से तो आप वाकिफ ही हैं। जिंदगी के कल के वे हसीन पल बने रहेंगे आज और बने रहेंगे कल, जीवन की फिर एक नई शुरुआत डॉक्टर एस के जैन के साथ। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका आपके अपने शो सेक्स एजुकेशन एंड योर क्वेरीज में। दोस्तों हमें इस कार्यक्रम का बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, उसका सबूत है आपके ढेर सारे ईमेल्स और पत्र। हमें लगता है जिस विश्वास से आप अपनी समस्याएं हमसे शेयर करते हैं, उससे लगता है कि अब हमारा समाज सेक्स से जुड़ी भ्रांतियों से ऊपर उठना चाहता है और अपनी सेक्स से जुड़ी समस्याओं के बारे में किसी विशेषज्ञ से उसका इलाज चाहता है, उसका निदान चाहता है। हम आपकी सारी समस्याएं अपने एक्सपर्ट फेमस साइकोसेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर एस के जैन साहब के सामने रखेंगे। सृष्टि के आरंभ से ही मनुष्य की चाहते, उमंगें और जरूरतें उसके साथ चली हैं। इन स्वाभाविक जरूरतों में सबसे प्रमुख है सेक्स, यानी एक आनंदपूर्ण सामाजिक जीवन। इसलिए जरूरी है कि हमें सेक्स के प्रति सही जानकारी मिले और गलत उपायों से हम अपना जीवन नष्ट ना करें। कुछ इसी तरह का कार्य कर रहे हैं इस विधा के पुरोधा भारत के शीर्ष साइको सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर एस के जैन। आपने सन 1974 में लखनऊ विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ आयुर्वेदा विद मॉडर्न मेडिसिन एंड सर्जरी की उपाधि प्राप्त की। इसी के साथ आपने अपने टैलेंट और लगन के बलबूते पर लंदन से MRSH जैसी प्रतिष्ठित संस्था की सदस्यता प्राप्त की। डॉक्टर एस के जैन ने प्राचीन आयुर्वेद पद्धति के साथ आधुनिक चिकित्सा प्रणाली का मिश्रण करते हुए बर्लिंगटन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की। इस क्लिनिक के द्वारा एक ही छत के नीचे प्राचीन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी द्वारा आम लोगों को उनकी सेक्स समस्याओं से मुक्ति देते हैं और इस कार्य में डॉक्टर जैन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ देती है उनकी मेहनती व सेवाभावी रिसर्च टीम। डॉक्टर जैन को इन्हीं प्रयासों के कारण अनेक बार कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर एस के जैन एक ईमानदार, सफल तथा विश्वसनीय व्यक्तित्व हैं। आप मानव समाज के लिए एक वरदान हैं। डॉक्टर जैन के लंबे अनुभव का लाभ लाखों लोगों ने लिया है और अब बारी है आपकी। तो आइए स्वागत करते हैं अपने एक्सपर्ट डॉक्टर एस के जैन साहब का, सीधे रूबरू होते हैं उनसे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम सेक्स एजुकेशन एंड योर क्वेरीज में। डॉक्टर साहब आपका इतना लंबा सफर है, आपके प्रोफेशनल लाइफ का इतना बहुत लंबा सफर है, हजारों लाखों मरीज आपसे फैजियाब हुए हैं, लाखों लोगों की जो सुनसान वीरान जिंदगी में आपने खुशियों के फूल खिलाए हैं। मैं जानना चाहूंगा कि आपका जो ओवर द ईयर्स सफर रहा है, किस तरह के मरीज आपसे इंटरेक्ट हुए हैं, किस तरह की प्रॉब्लम उन्होंने आपसे शेयर करी है, आपके सफर के बारे में हमारे दर्शकों के साथ कुछ शेयर करें। असम साहब, मैं इतना ही कहूंगा कि तकरीबन मुझे 40 साल से ज्यादा हो गए प्रैक्टिस करते हुए और तरह तरह के मरीजों से मेरा सामना हुआ, उनकी प्रॉब्लम्स आई मेरे सामने
और मैंने ये महसूस किया है कि यदि कोई भी डॉक्टर पूरी सिंपैथी के साथ में मरीज की प्रॉब्लम को सुने, समझे, उसको प्रॉपर एक एडवाइस दे, काउंसलिंग करे, उसको न्यूट्रिशन के बारे में बताए, तो शायद ही कोई ऐसा मरीज होगा जो ठीक ना हुआ हो, वरना अधिकांश मरीज ठीक हो जाते हैं। क्योंकि बहुत कुछ सेक्स प्रॉब्लम्स, वन थिंग यू नो टू सरप्राइज, कि आज जितनी ही सेक्स प्रॉब्लम है उतनी ही तरह की भ्रांतियां हैं जी। जैसे एक किसान अपनी फसल की देखभाल के लिए काफी प्रिकॉशंस लेता है कि कहीं कोई उसे मतलब जो है वो कीड़ा ना लग जाए, कहीं उसमें मतलब जो वो समथिंग मतलब कोई उसको नुकसान ना पहुंचाए, इसी प्रकार से एक आदमी को भी अपनी मतलब जो है वो सेक्सुअल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, फिजिकल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए एंड इवन जनरल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए काफी कुछ कोशिशें करनी पड़ती हैं। और मैं समझता हूं कि इस प्रकार से यदि बाई दिवे डॉक्टर दिल से मेहनत करेगा मरीज के लिए तो काफी कुछ उसको ठीक कर सकता है, सुलझाया जा सकता है। एक बात यहां पे और आपको बताना चाहूंगा कि आज काफी अमेरिकन वैज्ञानिक काफी शोध में लगे हुए हैं, उन्होंने जो निष्कर्ष निकाले हैं कि जिन लोगों के जीवन में भी सक्सेसफुल सेक्स था जी, दे आर रीचिंग ऑन द मोर प्रोग्रेस, यानी उनको सक्सेस, यानी सेक्स और सक्सेस इनको सिनोनिम करके देखा गया और वो सक्सेस की बुलंदियों पे चढ़ते चले गए। एंड विचार जिन्होंने अपने मतलब इस सेक्सुअल पावर की ओर ध्यान नहीं दिया, तो बट नेचुरल है, आपको सुनकर हैरत होगी, ताज्जुब होगा कि ये वो समस्याएं हैं कि जिसके बारे में आदमी हर एक से कह भी नहीं सकता है और सह भी नहीं सकता है जी। तो नेचुरली क्या होगा कि जब आदमी न तो किसी से कहेगा न सहेगा तो वो हो जाती है एक मानसिक प्रॉब्लम, जिसे जनरल वे में लोग ये समझते हैं कि ये मुझे शायद मानसिक प्रॉब्लम है। नॉट लाइक दैट, मानसिक प्रॉब्लम है लेकिन एक पार्ट के अंदर है, वो केवल उसका एक पार्ट है। यदि बाई दिवे वो अपनी प्रॉब्लम को किसी भी सेक्सोलॉजिस्ट से शेयर करे और शेयर करने के साथ साथ में डॉक्टर के कहे मुताबिक यदि वो चलता है तो उसको कायदे से अपनी फिजिकली हेल्थ को मेंटेन करना चाहिए, सेक्सुअल हेल्थ को मेंटेन करना चाहिए। यदि उसने दोनों हेल्थ को मेंटेन कर लिया तो साइकोजेनिक प्रॉब्लम तो उसकी अपने आप ठीक हो जाएगी जी। आपका कहना है डॉक्टर साहब कि एक तो आप कहते हैं कि अगर सिंपैथी के साथ उसको पूरा सुन लिया जाए जरूरी है तो प्रॉब्लम सॉल्व होती है, और दूसरा आपने बहुत महत्वपूर्ण बात ये कही कि भ्रांतियां ज्यादा हैं, समस्याएं कम है जी, और वो सब भ्रांतियां आगे जाके समस्या का रूप ले लेती हैं। जितनी समस्याएं उसी उतनी ही प्रकार की भ्रांतियां भी हैं, उतनी प्रकार की भ्रांतियां जी डॉक्टर साहब। और आपका कहना है कि एक अगर हेल्दी सेक्सुअल लाइफ है तो एक सक्सेसफुल लाइफ मेंटेन की जा सकती है जी। डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बात आपने शेयर करी, और आइए अब सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू करते हैं। तो डॉक्टर साहब ये ईमेल आया है अहमदाबाद से, इन्होंने रिक्वेस्ट की है कि इनका नाम जो है वो नाम और पता गुप्त रखा जाए, तो सीधा सवाल पढ़ता हूँ। ये कहते हैं डॉक्टर साहब कि हस मैथुन के कारण मेरा लिंग जो है वो टेढ़ा हो गया है, उसमें तनाव भी कम आता है, तो शादी के बाद क्या मैं अपनी पत्नी को गर्भवती कर पाऊंगा? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है असम साहब, और इसके बारे में सबसे पहली बात तो इन्होंने जो कॉन्फिडेंसी की बात की है कि पता हमारा नाम और पता गोपनीय हो, तो एक बात मैं आपको बता दूं कि आज कलकत्ता, बॉम्बे, दिल्ली, गुजरात, मद्रास, सो मेनी ऑफ द मतलब जो है वो देश में कोने कोने से मेरे पास अनगिनत मरीज आते हैं, लेकिन यू विल नॉट बी सरप्राइज कि हमारे यहाँ नेम और एड्रेस उनका पूरी तरीके से गुप्त होता है, कॉन्फिडेंशियल होता है, क्योंकि एक अगले की इज्जत अपनी इज्जत के समान है। तो लिहाजा इसमें चूंकि पेशेंट इसे अपनी ईगो से जोड़ने लगता है, दैट्स व्हाई मैं उनकी भावनाओं की कद्र करते हुए इस बात का विशेष ख्याल रखता हूं। और जहां तक इन्होंने पूछा कि साहब लिंग टेढ़ा हो गया है, तो यदि लिंग टेढ़ा है तो उससे अगर तनाव कम हो रहा है तो दैट इज ए प्रॉब्लम, लेकिन जहां तक मतलब प्रेग्नेंट करने का सवाल है कि कंसेप्शन होगा या नहीं होगा, तो कंसेप्शन होने के पूरे पूरे चांसेज हैं। हाँ बेशक अगर मतलब जो वो तनाव नहीं हो रहा है पूरा या उसके अंदर कुछ टेढ़ापन है, तो इसके लिए आपको समुचित किसी भी अनुभवी सेक्सोलॉजिस्ट के पास जाके काउंसलिंग करनी चाहिए,
और हो सकता है कि आपकी पोजीशन देखने के बाद में डॉक्टर आपको केवल एडवाइस से सही कर दे, यदि बाय द वे कुछ दवाइयों की आवश्यकता है तो उसको भी करने में मैं समझता हूं कोई दिक्कत नहीं है और ऐसे केसेस में बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और देयर इज नो प्रॉब्लम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये ईमेल करने के लिए। और जैसा कि आपने कहा था कि नाम, हमारा मकसद प्रॉब्लम को सामने लाना है और अक्सर जैसा डॉक्टर साहब ने अपनी शुरुआत में बताया था कि लोग जो हैं कई बारी अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करने से कतराते हैं। जी डॉक्टर साहब, वक्त थोड़ा चला है, छोटे से ब्रेक का, यहाँ पर ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक पे जाने से पहले बता दूं कि आप अपनी किसी भी समस्या, किसी भी भ्रांति को हमारे साथ शेयर कीजिए। डॉक्टर एस के जैन साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, हम उनका जरूर सहयोग लेंगे आपकी समस्या को दूर करने में। अभी एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद बहुत जल्द आएंगे, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए सेक्स एजुकेशन एंड योर क्वेरी। इस कार्यक्रम में अपना सवाल रिकॉर्ड कराने के लिए हमारा फोन नंबर है 09-366-0444। इसी नंबर पर आप हमें SMS भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है drskjainsolutions@gmail.com। यदि आप डॉक्टर साहब से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो डॉक्टर साहब की लखनऊ की क्लिनिक का नंबर है 05224004444। आज की इस दुनिया में जब जिंदगी बिखर रही है, बेपनाह तमन्नाएं हर दिशा में भटक रही हैं, आरजुएं बेकाबू हो रही हैं, तब कहां हैं हम? कहां हैं हमारे सपने? कहां है हमारी सेहत? जनाब, इसी तसव्वुर को सामने रखकर हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी कामयाब शख्सियत से जिन्होंने सेक्स और जिंदगी, चाहत और सेहत को नई दिशा दी है। जी हाँ, हिंदुस्तान के मशहूर साइकोसेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर SK जैन। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम तब तक अवेयर ही नहीं होते हैं जब तक कि हम मर्ज की पूरी गिरफ्त में नहीं आ जाते। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन, भ्रांति तो मैं समझता हूँ यही है। डॉक्टर SK जैन, जिन्होंने बर्लिंगटन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड विधानसभा मार्ग लखनऊ को दिया एक नया आयाम, बल्कि पूरे भारतवर्ष और विदेशों से आए हुए मरीजों को अपनी यौन समस्याओं के लिए कामयाब इलाज पाने में न दूरी लगे न देरी। आज हमारे यहाँ पूरे भारतवर्ष के मरीज आते हैं और हम उन्हें वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं, साथ ही अनगिनत मरीज पूरी तरह से सेटिस्फाइड होकर जाते हैं। डॉक्टर नितिन रोगियों की मैरिज काउंसलिंग पर पूरा ध्यान देते हैं। डॉक्टर जैन का सपना है सेक्स संबंधी समस्याओं के लिए बेहतर इलाज का सही प्रबंध और मरीजों का धोखेबाजों और नीम हकीमों से बचा। इसी सपने का एक हकीकत रूप है सेक्स संबंधी किसी भी समस्या के विश्वसनीय एवं गोपनीय उपचार की सुविधा स्वयं डॉक्टर SK जैन की देखरेख में यहाँ उपलब्ध है। सेहत, सेक्स और सुखी जीवन की आस, डॉक्टर SK जैन का विश्वास। अगर आपकी सेक्सुअल जिंदगी ठहर जाए तो डॉक्टर SK जैन की क्लिनिक पर आप दस्तक दीजिए, दरवाजा खुलेगा और आप पाएंगे खुशियों का गुलदस्ता लिए खड़ी है डॉक्टर SK जैन की कुशल और क्वालिफाइड टीम। संपर्क करें बर्लिंगटन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड, बर्लिंगटन क्रॉसिंग 28/A, विधानसभा मार्ग, लखनऊ। आप फोन कर सकते हैं इस नंबर पर 05224004444। हमारे मोबाइल नंबर हैं 09935109999 और 09935562999। हमारा ईमेल आईडी है drskjainsolutions@gmail.com। इस कार्यक्रम में अपना सवाल रिकॉर्ड कराने के लिए हमारा फोन नंबर है 09-366-0444। इसी नंबर पर आप हमें SMS भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है drskjainsolutions@gmail.com। यदि आप डॉक्टर साहब से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो डॉक्टर साहब की लखनऊ की क्लिनिक का नंबर है 05224004444। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सेक्स एजुकेशन एंड योर क्वेरीज और हमारे बेहद इसरार पर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं
मशहूर साइको सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर एस के जैन साहब, आप अपनी समस्याएं हम तक भेजते रहिए, हम उसको डॉक्टर एस के जैन साहब के साथ जरूर शेयर करेंगे। और डॉक्टर साहब, ये लेटर आया आसाम से जी, लिखते हैं कि मेरे लिंग की नसें 2 महीने से फूल गई हैं, और ऐसा क्यों हुआ है और इसका क्या कोई उपचार है? देखिए, अगर नसें फूल गई हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि इसके लिए आप परेशान ना हो, उसमें मतलब जो है वो आप थोड़ा सा उसको 2-4-6 दिन वॉच कीजिए, क्योंकि आपने सिर्फ इतना लिखा है कि नसें फूल गई हैं, यानी बाय द वे उससे तनाव आपको इरेक्शन आ रहा है पूरा, यू फील द फुल ऑफ द एंजॉयमेंट, क्लाइमेक्स ऑफ द एंजॉयमेंट, देन देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। और जो जहां तक नसें फूलने वाली बात है, वो अपना 2-4-6 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है, आप कोई भी एनाल्जेसिक ले लो, यू कैन बी ऑलराइट। तो ये जानना चाहते हैं ऐसा क्यों हुआ है, कोई इसका दूसरी किसी चीज से रिलेशन तो नहीं? नो, कभी कभी तो ये मतलब जो है वो 2 तरीके से है इसमें, देयर आर 2 थिंग्स, फर्स्ट इज द मतलब जो है वो कंजेनाइटल एंड सेकंड इज द एक्वायर्ड। साइंस में बीमारियां 2 तरीके से पैदा होती है, अगर बाई दे कंजेनाइटल है तो देट इज डिफरेंट थिंग, कंजेनाइटल मीन्स बाई बर्थ, एंड इफ इट इज एक्वायर्ड यानी किसी की चोट लगने की वजह से हो गया, या कभी कभी नसें ऑटोमेटिकली फूल जाती, लेकिन अगर उससे और कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इलाज की जरूरत नहीं है आपको, आप थोड़ा सा बैलेंस डाइट लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ईमेल के लिए। और अगला ईमेल भेजा है डॉक्टर साहब चंडीगढ़ से, ये लिखते हैं कि सर, बिजनेसमैन हूँ, मेरी कॉस्मेटिक की दुकान है, शादी भी हो गई है, 3 बच्चे भी हैं, उम्र 36 साल है, परंतु मेरी समस्या यह है कि जब भी कोई भी महिला मेरी दुकान में आती है तो मैं उत्तेजित हो जाता हूँ, क्या ये कोई प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, इस प्रकार के काफी केसेज मेरे पास में आते हैं कि जिनके अंदर ओवर एक्साइटनेस होती है, अगर एक्साइटमेंट जरूरत से ज्यादा है तो मैंने ऐसे बहुत सारे केसेज में देखा है कि उन्होंने कहीं पे रैप भी कर लिया। तो साइंस जैसा बोलती है, कहती है कि साइंस के अंदर किसी भी चीज की अधिकता या उसकी लोवरनेस हानिकारक है, अगर वो मीडियम है तो कहीं से कोई नुकसान नहीं है, लिहाजा आप अपने कामुक विचारों को थोड़ा सा मेंटेन कीजिए, और जिससे कि आगे चल के फिर कोई आगे गंभीर समस्या, कोई गंभीर प्रॉब्लम आपको ना उत्पन्न हो। और मैं समझता हूं यदि आप अपने विचारों को थोड़ा सा कंट्रोल रखेंगे, क्योंकि बहुत कुछ मन के ऊपर डिपेंड करता है, आप तो पढ़े लिखे मालूम पड़ते हैं, समझदार हैं, लिहाजा यदि आप मन को कंट्रोल रखेंगे कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। और बात करते हैं डॉक्टर साहब, ये लेटर आया है गाजियाबाद से जी, ये लिखते हैं कि 1 महीने बाद मेरी शादी है, क्या मैं अपनी पत्नी के साथ ओरल सेक्स कर सकता हूँ? ये कोई घृणित कार्य तो नहीं है, इससे गृहस्थी में प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? देखिए, ऐसा है कि जहां तक आपने कहा है कि 1 माह पश्चात शादी है, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि इसके लिए ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरी शुभकामनाएं हैं कि आपका वैवाहिक जीवन खुशहाल हो, सुखमय हो, और उसके लिए हर पुरुष शादी के 1-2 महीने पहले अपने को मेंटेन करने के लिए किसी भी प्रॉपर मतलब डॉक्टर के पास जाके, मेरा मतलब क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट है कि उनके पास जाके उनसे अपना काउंसलिंग करते हैं, एडवाइज लेते हैं कि डॉक्टर क्या सही है क्या गलत है। सेकंड थिंग कि आपने पूछा ओरल सेक्स, ये दोनों की जो मानसिक भावनाएं होती हैं यदि वो समान स्तर की हैं तो ये चीज उसके पे डिपेंड करती है। आप किसी को भले ही आपकी धर्मपत्नी है लेकिन आप उसको फोर्स नहीं कर सकते हैं कि यू हैव टू डू दिस वर्क, सम लेडीज एक्सेप्ट दिस, सम लेडीज डजंट, तो दैट्स व्हाई आप बिल्कुल नॉर्मल हैं, और थोड़ा सा बस अवेयर रहिए, काउंसलिंग कीजिए, शादी कीजिए, बी सक्सेस। जी डॉक्टर साहब, ये एक और ईमेल है, पूछना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब कृपया बताएं कि पुरुष को कितने सालों तक संभोग करना चाहिए, मतलब कितने साल से, मुझे लगता है कि इनकी मुराद एज से होगी, कितने एज तक कर सकते हैं? जी, इसके बारे में जितने भी सर्वेक्षण अनुसंधान हुए हैं तो अमूमन ये पाया गया है कि जो भी अपनी सेक्सुअल पावर के प्रति अवेयर रहते हैं उसको समय समय पे यूं समझ लीजिए सजाते रहते हैं या संवारते रहते हैं, तो उनके अंदर ये पावर 70, 75 या इसके भी ऊपर देखी गई है।
और जो लोग उसकी साज संभाल नहीं करना जानते हैं या उसको उन्होंने ये सोच रखा है कि मैं केवल इसे वर्क लूंगा लेकिन उसको मेंटेन नहीं करूंगा, तो यदि बाय द वे कोई वाहन भी है, मान लीजिए कार है, यदि आप उसकी समय समय पे अगर साल दो साल में भी सर्विस नहीं करवाते हैं तो बट नेचुरल है वो आपको कैसी लगेगी, है ना, पुरानी पुरानी हो जाएगी। वो जो व्यक्ति उसको साल भर में एक आध बार बढ़िया सर्विस करवाते हैं, कायदे से मेंटेन करते हैं, तो बट नेचुरल है कि उनकी लाइफ में काफी निखार आ जाता है। तो इसमें एज की कोई बाउंडेशन नहीं है, केवल आदमी के अवेयर होने पर डिपेंड करता है, बाद बाकी नॉर्मली तौर पे आदमी 70-75 तक बिल्कुल फर्स्ट क्लास रहता है। जी हाँ, धन्यवाद बहुत बहुत आपका, और मुझे लगता है कि आपकी समस्या का जरूर गाइडेंस मिला होगा। और आप हमें यूं ही अपने सवाल अपनी समस्याएं भेजते रहिए, हम अपने एक्सपर्ट डॉक्टर एस के जैन साहब के सामने उन्हें रखते रहेंगे। आइए और जानते हैं डॉक्टर एस के जैन साहब के बारे में। आज की इस दुनिया में जब जिंदगी बिखर रही है, बेपनाह तमन्नाएं हर दिशा में भटक रही है, आरजुएं बेकाबू हो रही हैं, तब कहां हैं हम, कहां हैं हमारे सपने, कहां है हमारी सेहत? ये तलाश सिर्फ मेरी नहीं, आपकी, हम सबकी है। इस तलाश में मंजिलें कम, भटकाव ज्यादा हैं। तो कैसे मिले मंजिलों का पता, कैसे संवारें इस जिंदगी को, कैसे जवानी दें नए रूप में यौवन को? जनाब, इसी तसव्वुर को सामने रखकर हम आपसे मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी कामयाब शख्सियत से जिन्होंने सेक्स और जिंदगी, चाहत और सेहत को नई दिशा दी है। डॉक्टर एस के जैन, हिंदुस्तान के मशहूर साइको सेक्सोलॉजिस्ट। डॉक्टर एस के जैन एक खानदानी डॉक्टर ही नहीं, आयुर्वेदिक एवं एलोपैथी दोनों विधाओं के एक कामयाब और क्वालिफाइड डॉक्टर हैं। आपने सन 1974 में लखनऊ विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ आयुर्वेदा विद मॉडर्न मेडिसिन एंड सर्जरी की उपाधि प्राप्त की। इसी के साथ आपने अपने टैलेंट और लगन के बलबूते पर लंदन से MRSH जैसी प्रतिष्ठित संस्था की सदस्यता प्राप्त की। तमाश बीनों से आपको बाखबर करने, नीम हकीम खतराए जान से आपका दामन बचाने और आपको सेहतमंद बनाए रखने के लिए सही सेक्स का खूबसूरत और आसान रास्ता दिखाने डॉक्टर एस के जैन अपने बर्लिंगटन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड के जरिए आप तक पहुंच रहे हैं। इस क्लिनिक के द्वारा डॉक्टर जैन एक ही छत के नीचे प्राचीन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी द्वारा आम लोगों को उनकी सेक्स समस्याओं से मुक्ति देते हैं। डॉक्टर जैन के पीछे मेहनतों का एक लंबा और खूबसूरत सिलसिला है और इसी सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं उनके होनहार बेटे डॉक्टर सारांश जैन और उनकी समर्पित टीम। सेक्स से जुड़ी हर छोटी बड़ी समस्याओं का कॉन्फिडेंशियल इलाज करने में, जिंदगी को सेहतमंद बनाने में डॉक्टर एस के जैन को महारत हासिल है। सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारे लिए ये है कि जो भी पेशेंट्स आते हैं यहाँ पे, उनकी बातें हमारे और पेशेंट के बीच में ही रहनी चाहिए, तो उसका हम पूरा ध्यान रखते हैं। इवन जो उनके रिकॉर्ड्स हमारे पास रहते हैं वो भी पूरी तरीके से कॉन्फिडेंशियल रखे जाते हैं, और जो पेशेंट्स को जो कार्ड हम रजिस्ट्रेशन कार्ड जो इशू करते हैं उसमें भी कुछ नाम नहीं रहता, उसमें केवल रजिस्ट्रेशन कोड रहता है, तो उनकी आइडेंटिटी केवल रजिस्ट्रेशन कोड के द्वारा ही निर्धारित होती है, ताकि बात जो है हमारे और उनके बीच में ही गुप्त रहे। बर्लिंगटन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड, जिनकी बुनियाद में है एक खानदानी तजर्बा, मेहनत, ईमानदारी, लगन, विश्वास, सफलता और कुशलता। तो आइए रूबरू होते हैं डॉक्टर एस के जैन से। सबसे ज्यादा गलत फहमियां आज सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के साथ जुड़ी हुई हैं, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि लोग प्रॉब्लम होते हुए भी उसे नहीं मानते, या यूं कह लीजिए कि अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, या शर्म संकोच बस अपनी बात कह नहीं पाते, या शायद उसे अपनी ईगो से जोड़ने लगते हैं। आयुर्वेदिक दवाओं के साथ साथ सामान्य व्यायाम से लोगों को चुस्ती फुर्ती देते हैं बर्लिंगटन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड। बर्लिंगटन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड बर्लिंगटन ग्रुप ऑफ मेडिकल रिसर्चेस की एक यूनिट है, जिसमें हमारे पास है एक बेहतरीन क्वालिफाइड कुशल टीम,
जो कि अपने मरीजों को प्री एंड पोस्ट एजुकेट भी करती है, और हम लोग दवाइयों को केवल मैन्युफैक्चर ही नहीं करते बल्कि उनको अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में उनको ग्रो करते हैं, उगाते हैं, उसके बाद अपनी लेबोरेटरी में उनकी पूरी जांच पड़ताल करके उन दवाइयों का निर्माण करते हैं और उसे अपने मरीजों की सेवा के लिए उपलब्ध कराते हैं। समाज में सेक्स संबंधित तकलीफों से लोगों को मुक्त कर उन्हें आनंददायक जीवन लौटाने के लिए डॉक्टर एस के जैन को दुनिया के कई प्रतिष्ठित और शीर्ष पुरस्कारों से नवाजा गया है। इनके अलावा भी आपको देश विदेश के अनेक प्रतिष्ठित सम्मानों से अलंकृत किया गया है। हम तो बस इतना ही कहेंगे कि आप डॉक्टर एस के जैन के अनुभवों का लाभ उठाएं और सक्सेसफुली और सेक्सफुली जिंदगी जिए, समझदारी से, होशियारी से। अगर आप डॉक्टर एसके जैन से संपर्क करना चाहते हैं तो हमारा पता है बर्लिंगटन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड, बर्लिंगटन क्रॉसिंग 28/A, विधानसभा मार्ग, लखनऊ। आप फोन कर सकते हैं इस नंबर पर 0522-400-4444। हमारे मोबाइल नंबर हैं 09935-109999 और 09935-562999। हमारा ईमेल आईडी है drskjainsolutions@gmail.com। इस कार्यक्रम में अपना सवाल रिकॉर्ड कराने के लिए हमारा फोन नंबर है 09936-04444। इसी नंबर पर आप हमें SMS भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है drskjainsolutions@gmail.com। यदि आप डॉक्टर साहब से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो डॉक्टर साहब की लखनऊ की क्लिनिक का नंबर है 05224004444। तो देखा आपने कि डॉक्टर साहब ने प्राचीन चिकित्सा पद्धति और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का मिश्रण करके इस चिकित्सा को एक नया आयाम दिया है। आप भी अपनी सेक्स से जुड़ी हुई समस्याएं हमसे शेयर कर सकते हैं। डॉक्टर एस के जैन साहब हमारे स्टूडियो में आ रहे हैं। डॉक्टर साहब का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। और दोस्तों, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो बेझिझक फोन उठाइए, हमें कॉन्टेक्ट कीजिए। हम आपकी समस्या को अपने एक्सपर्ट डॉक्टर एस के जैन साहब के सामने रखेंगे और उसका जरूर कोई हल आप तक पहुंचाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल अगले एपिसोड में आपकी और समस्याओं के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए सेक्स एजुकेशन एंड योर क्वेरीज। दुनिया जहां ने चाहे कितनी भी तरक्की क्यों ना कर ली हो, फिर भी आज सेक्स को एक हवा ही माना जाता है। सेक्स से संबंधित समस्याओं पर शर्म और संकोचवश कोई खुलकर बात ही नहीं करता, जिसकी वजह से उसका जीवन दिनों दिन अंधेरे में घिरता चला जाता है। इस अंधेरे में उजाले की किरण बनकर आपकी सेक्स संबंधी समस्याओं का समाधान करेंगे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त यौन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस के जैन। संचय करना ज्ञान और सद्गुण अपनाना, संचय करना ज्ञान और सद्गुण अपनाना और निज शरीर को तुम्हें खूब है स्वस्थ बनाना। देखिए सेक्स एजुकेशन एंड योर क्वेरीज रोजाना। यौन रोगों से मुक्ति मिली है, जीवन में सुख शांति मिली है, बर्लिंगटन क्लिनिक याद रहेगी, जिससे जीवन को नई दिशा मिली है। डॉक्टर एस के जैन बर्लिंगटन क्लिनिक लखनऊ से तो आप वाकिफ ही हैं। जिंदगी के कल के वे हसीन पल बने रहेंगे आज और बने रहेंगे कल। जीवन की फिर एक नई शुरुआत डॉक्टर एस के जैन के साथ।